सब्सक्राइब कीजिए मूवी सीन्स को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की नई फिल्म गोल्ड के बारे में, जिसका एक टीजर ट्रेलर आ गया है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो इस फिल्म की स्टोरी हॉकी पर बेस है, जिसमें ये बताया जाएगा कि हमारे इंडिया को सबसे पहला गोल्ड 1948 में कैसे मिला। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट रीमा कंगती ने किया है, जिन्होंने इसके पहले तलाश जैसी मूवी बनाई है। और साथ ही साथ इस फिल्म को प्रेजेंट एक्सेल स्टूडियो ने किया है, जो फरहान अख्तर के अंडर आती है। तो ये बात हो गई इस फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की, बाकी कास्टिंग की बात हम इसके टीजर में कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के छोटे से टीजर ट्रेलर के बारे में। इसका टीजर टोटल 1 मिनट 7 सेकंड का है, यानी इस फिल्म का ट्रेलर आना अभी भी बाकी है। तो ट्रेलर के स्टार्ट में हमें एक शराबी आदमी नजर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारे अक्षय कुमार है। वो कहते हैं कि हम एक पागल बंगाली है, जिससे ये साफ होता है कि वो इस फिल्म में एक बंगाली रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर असली बात करें, तो जिस कैरेक्टर का रोल अक्षय कुमार इस फिल्म में कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का नाम है बलबीर सिंह, और वो कैरेक्टर असल में पंजाबी है, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो काफी लोग अब ये कंफ्यूज हो गए कि अगर वो इस फिल्म में बंगाली रोल कर रहे हैं, तो फिर उनका नाम इस फिल्म में बलबीर सिंह कैसे है। तो उसका भी जवाब हमें इस टीजर में मिलता है। अगर आप ध्यान दें इस डॉक्यूमेंट पर, तो ये पंजाब पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म है, जिस पर अक्षय कुमार ने अपना नाम दलवीर सिंह लिखा हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि वो इस फिल्म में बलबीर सिंह का ही रोल कर रहे हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को पंजाबी की जगह बंगाली कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, वो तो इस फिल्म की डायरेक्टर को ही पता होगा। तो अब बात करते हैं इसके टीजर की, जहां पर उन्हें एक रेसलिंग मैच से निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। और बात करें इस रेसलिंग की, तो उस टाइम पर 1946 में रेसलर्स ऐसे ही कपड़े पहनते थे, जैसे हमें इस ट्रेलर में दिखाया गया है। तो इस रेसलिंग की डिटेलिंग काफी अच्छी की गई है। उसके बाद अक्षय कुमार कहते हैं कि वो हॉकी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब ये टीजर आगे बढ़ता है, तो हमें ये साफ समझ आता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में कोई भी हॉकी मैच नहीं खेलने वाले, वो सभी प्लेयर्स को हॉकी की मैच सिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि असल में अक्षय कुमार का रोल इस फिल्म में है क्या, क्योंकि बात करें 1948 की, तो 1948 में बलबीर सिंह ही वो इंसान थे जिसने इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। और हमें इस टीजर में बलबीर सिंह भी नजर आए हैं, जो ये है। इस कैरेक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंफर्म ये करता हूँ कि ये कैरेक्टर इस फिल्म में बलबीर सिंह का रोल कर रहा है। तो अगर आपको इस एक्टर का नाम पता है, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये कौन से एक्टर है। और बात करें दूसरे एक्टर की, तो इस फिल्म में कुणाल कपूर भी है, जो इस फिल्म में मेरे ख्याल से रोल कर रहे हैं ध्यानचंद का। ध्यानचंद वही लेजेंड हॉकी प्लेयर है, जिसने जर्मनी को 1933 में 8-1 से हार दी थी, और उन लोगों ने वो मैच बिना जूतों के खेली थी, और उस मैच में हिटलर भी था, जो हमें इस छोटे से टीजर में भी नजर आता है। तो यहाँ तक इंडिया ने पूरे 3 गोल्ड जीत लिए थे, लेकिन वो गोल्ड इंडिया के नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया के थे, क्योंकि इस टाइम पर इंडिया पर ब्रिटिश का राज था। तो अक्षय कुमार ये सोच लेते हैं कि अब वो गोल्ड जीतेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए, और वो यहाँ पर अपनी टीम बनाने निकल पड़ते हैं। और इस चीज के लिए वो बोर्ड मेंबर्स को राजी भी कर लेते हैं, जिसमें वो अपने टीम में सबसे पहले शामिल करते हैं अमित साध को। बाकी के कैरेक्टर इतने नोन नहीं है कि जिन्हें हम पहचान पाए। और बात करें अमित साध की, तो उनका रोल इस फिल्म में क्या है, वो अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो इस फिल्म में बलबीर सिंह का रोल तो नहीं कर रहे हैं। तो बाकी की स्टोरी 1946 की है, जो हमें इस छोटे से टीजर में नजर आता है। और इस सीन में हम इंडिया की पहली हॉकी टीम देखते हैं, और अगले सीन में हमें मोनिश रॉय भी नजर आती है, जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, और ये इनकी पहली डेब्यू फिल्म है। इसके पहले वो टीवी एक्ट्रेस थी। और इस फिल्म में 1947 के पार्टीशन सीरियड्स भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो सभी सीन्स हमें इस टीजर में नजर आते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट कि हमारे इंडियन प्लेयर ने कौन सी टीम के साथ में हॉकी मैच खेली थी, वो टीम थी ब्रिटिश की, क्योंकि इंडिया की आजादी के बाद इस मैच को जीतना इंडिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इधर देश को आजादी मिली थी, और वहीं अब खेल में इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इंडिया सफल भी हुआ था, और हमारे इंडियन प्लेयर ने इस मैच को 4-1 से जीता था। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मुझे अक्षय कुमार के इस गोल्ड के टीजर में नजर आई। लेकिन अब तक फाइनल ये नहीं हुआ कि अक्षय कुमार का इस फिल्म में रोल क्या है। अगर अंदाजा लगाया जाए, तो शायद अक्षय कुमार इस फिल्म में रोल कर रहे हैं हरपाल सिंह का, जो हमारे बलबीर सिंह के कोच थे। अब ये सिर्फ एक अंदाजा है, इस पर मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि अक्षय कुमार का रोल इस फिल्म में यही होगा। और इस पूरे टीजर में हमें कहीं लिखा हुआ ये नजर नहीं आया कि इस फिल्म की स्टोरी 2 इंसिडेंट्स पर बेस है, तो ये एक फिक्शन है इस फिल्म के डायरेक्टर का। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म रिलीज हो रही है 15 अगस्त को। तो अब वेट करते हैं इस फिल्म का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।
We'll be right back.